हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, जो आपका पेपर होगा जनवरी में, तो 2022 में जो होने वाला है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना मेरी बात को। यहां से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको 85% दिला के रहूंगा और आपको फेल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑल सब्जेक्ट के मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूं 2020 में आने वाले। तो आपको क्या कर लेना है, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है पहले तो, और एक वीडियो को लाइक करना है पहले। सबसे पहले तो आपको ये करना है। मैं इकोनॉमिक्स का पेपर, देखो एजुकेशन हिस्ट्री सारे पेपर अपलोड कर रखा है मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बीए 2022 में आने वाले क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों के लिए दे रखे हैं मैंने, एक ही प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा बीए पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कर लो। वहां पे आपको केवल बीए की ही वीडियो मिलेंगी, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपके सारे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं इनकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा वहां। और मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूं, नोट्स, जी हाँ नोट्स बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप हमारे नोट्स यदि आप देखो पीडीएफ लेना चाहते हो तो आपको लगभग में, मैं आपको बता दूं, आपको ₹25 पे करने पड़ेंगे। यदि आप फ्री में लेना चाहते हैं तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप मतलब कि प्ले स्टोर पर हमने अपने नोट्स बनाया है, उस नोट्स का ऐप प्ले स्टोर पर डाल रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके डाउनलोड कर लीजिए, सारे क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे। आप चाहो हमारे नोट से पढ़ सकते हैं, आप चाहे हमारे पीडीएफ से डाउनलोड करके किसी भी कैफे पर निकलवा के पढ़ सकते हैं। दोनों तरीके से हमने दे रखे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डिस्प्ले पर नंबर चल रहा होगा, आपको दिख रहा है। हम बीए हाई स्कूल इंटर, बीए बीएससी बीकॉम एमए एलएलबी सबके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। आर्मी जीडी के लिए सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा, सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज सारे क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी और दोस्तों को शेयर कर दो तुरंत, स्टेटस पे लगाओ इस वीडियो को, चाहे कुछ भी करो, आपके दोस्त तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लो इस वीडियो को और फेसबुक पर शेयर कर दो। देखो इकोनॉमिक्स की बात करने वाले हैं पेपर में, जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र का जो पेपर का नाम हो जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिद्धांत, पेपर का नाम हो जाएगा। अब यहां मैं बात करने वाला हूं कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो फटाक से अपने बुक नोट्स गैस पेपर जो भी आपने लिए हैं मार्केट से खरीदे हैं उस पर टिक कर लो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देखो अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है और उसके महत्व क्या है अर्थशास्त्र के, याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आता है मांग के नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मांग का नियम क्या होते हैं, उनके अपवाद और उनकी मांग की लोच, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन 100% एग्जाम में बनेगा, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा, हर परिस्थिति में मैं आपके साथ रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, समझ रहे हो। और एग्जाम से एक से या दो दिन पहले मैं आपको केवल 10 क्वेश्चन दूंगा, 10 क्वेश्चन दूंगा जो एग्जाम में टोटल प्रॉपर वही आता होगा, मैं बता रहा हूं 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दूंगा एग्जाम से पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बीए पेपर हैकर को भी साथ में, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके बाद मैं उपभोक्ता की, देखो दूसरा तीसरे क्वेश्चन में टिक लगाएंगे, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट है उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत, उसकी आलोचना किस प्रकार से करेंगे, सिद्धांत की आलोचना और उसके महत्व को देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तटस्था, जो वक्र है वो क्या होती है, उसकी विशेषता के बारे में याद कर लेंगे। ठीक है, तटस्था जो होता है वक्र, उसकी क्या हो, ये क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, यहां पे याद करेंगे। उत्पत्ति हास सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी नियम होता है हास नियम जिसे कहते हैं, उत्पत्ति हास नियम, और इसकी अवस्थाएं कौन सी होती है वो देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। साथ ही साथ ये देखेंगे देखो परिवर्तनशीलता अनुपात का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है हर्ष का नियम और परिवर्तनशीलता अनुपात का नियम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों को टिक कर लीजिए। सारे इनके हम आपको इनके सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के वीडियो प्रोवाइड करा देंगे आपको। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, दोस्तों को शेयर करो, ठीक है, डेली आपको वीडियो मिलेंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारे सिलेबस खत्म करा देंगे, हिस्ट्री और सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, एजुकेशन इंग्लिश वगैरह सबके, बीए बीएससी बीकॉम सबके, ठीक है, बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के मैंने सारे अपलोड कर रखे हैं, फिजिक्स का रह गया वो भी कर दूंगा और उसके बाद में बीकॉम के भी आज ही अपलोड कर दूंगा सारी वीडियो। यहां बोला गया उत्पादन फलन क्या है, यहां पे याद करेंगे, उत्पादन फलन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए सम उत्पादन वक्रों की परिभाषा और साथ ही साथ सम उत्पादन, जो सम उत्पादन होता है उसको अल्पकाल एवं दीर्घकाल के उत्पादन फलकों में अंतर, देखो जो सम उत्पादन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्पकाल एक होता है दीर्घकाल, इन दोनों कालों की जो उत्पादन फलन होते हैं उनके में अंतर पूछ लेता है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, उत्पादन फलन देखो ये इसका अंतर है, ठीक है, उत्पादन फलन ये
अल्पकाल और दीर्घकाल, ठीक है, इनके अंतर पूछ लेगा। उसके बाद में आता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो अल्पकाल होती है उनकी कीमत का आपको वर्णन करना है। जो पूर्ण प्रतियोगिता मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूर्ण प्रतियोगिता पूछेगा, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो आता है अल्पकाल, जो अल्पकाल आता है देखो अल्पकाल, उसकी कीमत क्या होती है उसका वर्णन करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में देखो बाजार क्या होती है, बाजार तो सभी जानते होंगे, जो मार्केट कहते हैं इसे बाजार, उसके उसके तत्वों के मतलब आवश्यक तत्व क्या होते हैं बाजारों में, उनके बारे में एक बार पढ़ लोगे, बना बना के पूरा लिख के आओगे, छोड़ के नहीं आना है, याद रखना। ये हमने देखा था, हमने ऊपर क्या देखा था पूर्ण प्रतियोगिता, अब हम देखेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता को हम एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इससे क्या है मतलब इसकी परिभाषा आपको बतानी है, और अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता क्या होती है ये देखेंगे, और उसको संतुलन किस प्रकार से कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे किया जाता है, एकीकरणता तो कह सकते हैं, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता जिसे अपूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं उसका संतुलित करने के बारे में आप देख लेंगे। उसके बाद में आता है एकाधिकार का वर्णन, एकाधिकार क्या होता है और इसका निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं, एकाधिकार का निर्धारण ये भी देख लेना। और प्रतिनिधि फॉर्म क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रतिनिधि फॉर्म बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, रट लेना इन क्वेश्चनों को, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा सेमेस्टर में, पढ़ लेना इनको शॉर्ट में, हम आपको याद करा देंगे, हमारे बिल्कुल जो नोट्स हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में आपको याद हो जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और नोट्स का हम आपको ऐप भी देंगे नोट्स का, और साथ ही साथ आप नोट्स की पीडीएफ भी देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहां दे रखा है बाजार संरचना का अर्थ क्या होता है, देखो बाजार संरचना हमने ऊपर देखा था बाजार क्या होती है, अब बाजार संरचना का अर्थ वही बात है और उसका वर्गीकरण वही सब कुछ मार्केट के बारे में बता देना है, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, साधन कीमत निर्धारण का सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट है, साधन कीमत निर्धारण का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, जिसे कहते हैं वितरण के सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत, वितरण के सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत इसको याद कर लेंगे, सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नगद, और जिसे कहते हैं ना नगद, एक नगद होती है एक असल मजदूरी, मतलब नगद मजदूरी एक असल मजदूरी, नगद माने मतलब आज हमने काम किया और शाम को हमें रुपए मिल गए, नगद मजदूरी कहलाती है। असल मजदूरी मतलब क्या होता है, महीने भर काम करते हैं उसके बाद हमें मिलती है, उसमें आपको दोनों के बारे में मना बना के लिख देना है। और देखिए लागन विशिष्टता का सिद्धांत क्या होता है, लागन विशिष्टता का सिद्धांत आप देख लेंगे, लागन विशिष्टता क्या होती है उसका सिद्धांत के बारे में, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक सिद्धांत, जो आधुनिक ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें मोस्ट लगाना, आधुनिक सिद्धांत जो है रिकॉर्ड होते हैं, आधुनिक सिद्धांत रिकॉर्ड सिद्धांत एक का एक विकसित रूप है, ये आपको बताना है, जो आधुनिक सिद्धांत है वो रिकॉर्ड सिद्धांत का क्या बेटा एक क्या है विकसित रूप है, एक वहां से विकास हुआ है उसका, आधुनिक मतलब रिकॉर्ड के सिद्धांत से आधुनिक सिद्धांत का विकास हुआ है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद में पुराना कार्य कह सकते हैं कार्यवादी अर्थशास्त्र का सिद्धांत क्या है, आप यह देखेंगे कल्याणकारी कह सकते हैं कल्याणवादी, ठीक है, देखो पुराना कल्याणवादी अर्थशास्त्र का सिद्धांत क्या है, यहां पे याद कर लेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है, पुराना कल्याणवादी अर्थशास्त्र का सिद्धांत याद कर लेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा बहुत इंपोर्टेंट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा और मांग की लोच मैंने ऊपर आपको बताया था, तो काली लोच और ऊपर मैं लोच बता चुका हूं, मांग की लोच मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है इसको याद रखेंगे। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा को याद करेंगे। सीमांत उपभोक्ता क्या होता है, सीमांत उपभोक्ता शॉर्ट में पूछेगा। उसके बाद में होता है हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है, हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है याद करेंगे। पूर्ण और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर मैं ऊपर बता चुका हूं, प्रतियोगिता पूर्ण अपूर्ण बारे में ये शॉर्ट में देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भेद पूर्ण देखो, भेद पूर्ण एकाधिकार से क्या आस है, भेदपूर्ण देखो, भेदपूर्ण एकाधिकार होता है, मैंने एकाधिकार के लिए ऊपर देखो बताया था मैंने, ये देखो ये बताया एकाधिकार का वर्णन करो उसका निर्धारण किस प्रकार से होता है, जब हम ऊपर पढ़ लेंगे तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भेदपूर्ण एकाधिकार क्या होता है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा वही पढ़ लोगे, वही बना बना के लिखे आना यहां क्वेश्चन आए तो भी। उसके बाद में है देखो यहां बोला गया रीज रेखाओं का वर्णन क्या होता है, पढ़ो याद हो मतलब हो सके तो याद कर लेना मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह बोल रहा है एक बार पढ़ जरूर लेना, पढ़ने के बाद में आप बना बना के उसके बारे में लिख सकते हो, छोड़ के नहीं आना है। मूल देखो मूल कह सकते हैं विधि सॉरी विविधीकरण क्या होता है, मूल विविधीकरण नीति मोस्ट इंपोर्टेंट है इसको देख लेना, विविधीकरण जो मूल विविधीकरण नीति होती है उसको देखेंगे। और ब्याज की तरलता और पसंदगी सिद्धांत क्या होता है, देखो ब्याज की तरलता और पसंदगी सिद्धांत इंपोर्टेंट है। पैमाने के
प्रतिकल के निर्धारण तत्व क्या होते हैं, पैमाने के प्रतिफल के, प्रतिकल नहीं है प्रतिफल है ठीक है, प्रतिफल के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं वो आप याद कर लेंगे, और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि जो पैरिटी अनुकूलता सिद्धांत है ठीक है, पैरिटी अनुकूलता सिद्धांत है आप इसको याद कर लेंगे, बाकी कुछ और नहीं पढ़ना है, बहुत हो गए ये क्वेश्चन, मोस्ट छाटे हैं, और एग्जाम से एक दिन या फिर दो दिन पहले मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो एग्जाम में आते होंगे, तुरंत की तुरंत, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तब तक बस ये पढ़ो और इसमें से ही दूंगा, कुछ बाहर से नहीं दूंगा, इसमें से ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। आप दोस्तों को शेयर करेंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।